बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। आज हमारे पास जो टॉपिक है वो तीसरा पार्ट है किंगडम्स का, जिसमें हमारे पास है किंगडम एनिमिलिया। जो फाइव किंगडम सिस्टम है वो रॉबर्ट एच विटेकर ने मुतारिफ़ कराया, वो उसने 1969 में मुतारिफ़ कराया, जिसको हम फाइव किंगडम सिस्टम कहते हैं। कुछ करेक्टरिस्टिक्स हैं किंगडम एनिमिलिया के, वो ये हैं कि जो ऑर्गेनिज़म्स किंगडम एनिमिलिया से बिलोंग करते हैं वो एक तो मल्टी सेलर होते हैं। मल्टी सेलर का मतलब है कि जिसकी बॉडी मैनी सेल्स पर मुश्तमिल हो, और उसके पास न्यूक्लियस होता है और उसके पास सेल मेम्ब्रेन होती है। जैसे कि प्लांट्स के पास सेल वाल थी, अल्जी के पास थी, बैक्टीरिया के पास थी, लेकिन इसके पास क्या होगा, सेल वाल होगा। लेकिन ये अपना खाना खुद तैयार नहीं कर सकते, क्योंकि इसके पास एक तो क्लोरोफिल नहीं होता और दूसरा तो इनमें फोटोसिंथेसिस प्रोसेस भी नहीं होता, इसलिए ये डिपेंडेंट होते हैं दूसरों पर। इसलिए मैंने पॉइंट लिखी भी है कि दे कैन नॉट मेक देयर ओन फूड बिकॉज दे हैव नॉट क्लोरोफिल एंड दे कैन नॉट परफॉर्म फोटोसिंथेसिस। अब दो और कैटेगरीज हैं किंगडम एनिमिलिया की, वो एक है वर्टिब्रेट और दूसरा है इनवर्टिब्रेट। वर्टिब्रेट क्या है, वर्टिब्रेट की कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा। लेकिन पहली प्रॉपर्टीज़ ये है कि जो भी एनिमल्स वर्टिब्रेट में आएंगे उसके पास बैकबोन होगा, जिसमें एग्जांपल्स हैं फिशेस का, एम्फीबियंस का, रेप्टाइल्स का, बर्ड्स का, मेमल्स का। जो भी मैंने ये एग्जांपल्स लिखे हैं ये सारे के सारे इसमें क्या होता है, इसके पास अपना बैकबोन होता है, इसलिए हम इसके उसको क्या बोलते हैं, वर्टिब्रेट्स। और एम्फीबियंस टर्म है जो कॉमनली यूज़ होता है, लेकिन काफ़ी जो बच्चे होते हैं उसको पता नहीं होता कि एम्फीबियंस की मीनिंग क्या है। एम्फीबियंस ऐसे एनिमल्स होते हैं जो पानी में भी रहते हैं और तो और वो ज़मीन पर भी रहते हैं। एग्जांपल्स जैसे कि स्नेक है, फ्रॉग है और क्रोकोडाइल है, वो जो मैंने ये तीन बताए ये लैंड पर भी रहते हैं और ये पानी पर भी रहते हैं, इसलिए हम इसको एम्फीबियंस कहते हैं। और रेप्टाइल्स भी ट्रम है एक, रेप्टाइल्स वो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो लैंड पर क्रीप करके चलते हैं, जैसे स्नेक है आपने देखा होगा, लिजर्ड है और क्रोकोडाइल है, वे ये क्या करते हैं, ये क्रीप करके चलते हैं लैंड पे, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, रेप्टाइल्स बोलते हैं। देखिए अब कुछ काइंड्स है फिशेस के, जो हमारे बुक्स फाइव क्लास में है, वो क्या है कि फिशेस की काइंड्स कितनी है, 30,000 से ज़्यादा है। आजकल जो बुक्स में आ रहा है वो ये पॉइंट है कि जो फिशेस की काइंड्स है वो 30,000 से ज़्यादा है, और जो बर्ड्स की हैं वो भी तकरीबन 9,000 से ज़्यादा है, और तो और इंसेक्ट्स की भी तकरीबन 8 लाख से ज़्यादा है। ये इन लोगों की क्या है, ये इसकी काइंड्स हैं कि मतलब के इंसेक्ट्स की इतनी हमारे एनवायरनमेंट में इतने किस्म हैं। ये थी हमारे पास कुछ टर्म थे जो मैंने आपसे डिस्कस किए, रेप्टाइल्स का, एम्फीबियंस का, और ये कुछ काइंड्स थे वो भी मैंने आपसे डिस्कस किए। लेकिन अब हमारे पास न्यू टर्म है जो है इनवर्टिब्रेट। इनवर्टिब्रेट वो होते हैं जानवर जिसके पास अपना बैकबोन नहीं होता। वो कौन से हैं, वर्म्स हैं, स्पाइडर हैं और इंसेक्ट्स हैं। ये ऐसे जानदार हैं जिसके पास बैकबोन नहीं होता, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, इनवर्टिब्रेट। इनवर्टिब्रेट हम इसको बोलते हैं जिसके पास बैकबोन नहीं होता, जैसे कि वर्म है, स्पाइडर है और इंसेक्ट्स हैं। जुलाजी एक और टर्म है हमारे पास, जो मेजर ब्रांचेज हैं दो बायोलॉजी की, एक तो बॉटनी है और दूसरी तो जुलाजी है। जुलाजी किसको कहते हैं, जुलाजी कहते हैं साइंटिफिक स्टडी ऑफ एनिमल्स। हम जानदार एनिमल्स की स्टडी को क्या कहेंगे, जुलाजी। एनिमल्स की स्टडी या किंगडम एनिमिलिया, ये एक सेम वर्ड है जिसकी हम स्टडी, इस दोनों में हम किस चीज़ की स्टडी करेंगे, एनिमल्स की।
लेकिन जो बॉटनी है उसमें हम किस चीज़ की स्टडी करेंगे, प्लांट्स की, किस चीज़ की, प्लांट्स की स्टडी करेंगे। अगर हम कहीं भी हमारे पास डेफिनेशन आ जाए कि साइंटिफिक स्टडी ऑफ प्लांट्स, तो हम समझ लें कि ये बॉटनी की बात कर रहा है। अगर एनिमल्स की बात हो तो जूलॉजी की बात कर रहा है। जैसे हमारे पास किंगडम एनिमलिया के दो मेजर पार्ट्स थे कि वर्टिब्रेट थे, दूसरा तो इनवर्टिब्रेट थे। और अब हमारे पास वर्टिब्रेट्स की भी दो कॉमन कैटेगरीज हैं, उसमें एक कोल्ड ब्लडेड होते हैं और दूसरे वार्म ब्लडेड होते हैं। देखें कि कोल्ड ब्लडेड और वार्म ब्लडेड में मेजर डिफरेंस क्या है। कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स वो होते हैं जो सराउंडिंग के टेम्परेचर पे डिपेंड करते हैं। वो एग्जांपल्स हैं उसके फिशेस, एम्फीबियंस और रेप्टाइल्स। ज़्यादातर जो फिशेस होती हैं वो पानी में रहती हैं। वो पानी में रहकर जो पानी का टेम्परेचर होगा, मतलब उसकी सराउंडिंग का टेम्परेचर होगा, वो सराउंडिंग के टेम्परेचर पे डिपेंड करती हैं, इसलिए हम उसको क्या बोलते हैं, कोल्ड ब्लडेड। और दूसरा टर्म वार्म ब्लडेड है। वार्म ब्लडेड ऐसे एनिमल्स होते हैं जो अपने बॉडी को एक कांस्टेंट पॉइंट पर मेंटेन करते हैं, बॉडी टेम्परेचर को एक कांस्टेंट पॉइंट पर मेंटेन करते हैं। जैसे कि आपने सुना होगा कि इंसान की बॉडी का नॉर्मल जो टेम्परेचर है वो 37 डिग्री सेंटीग्रेड है, हम इसको ही मेंटेन करते हैं। अगर हमारा 37 से ज़्यादा ऊपर गया तो हमें फीवर आ जाएगा, इसलिए हम इसको अपने जो टेम्परेचर है बॉडी का हम उसको 37 पर मेंटेन करते हैं। और इसकी दूसरी पॉइंट है, दियर बॉडी टेम्परेचर डज नॉट डिपेंड अपॉन द टेम्परेचर ऑफ दियर एनवायरमेंट। जो वार्म ब्लडेड एनिमल्स होते हैं उसकी बॉडी की टेम्परेचर जो होती है वो सराउंडिंग पे डिपेंडेंट नहीं करती कि एनवायरमेंट में आज हमारे पास 50 सेंटीग्रेड था, मसलन 65 था, जितना भी था उस पर हम डिपेंड नहीं करते। वार्म ब्लडेड मतलब हम इंसान, उस पर डिपेंड नहीं करते। अगर कोल्ड ब्लडेड तो फिशेस जो पानी में रहते हैं। अगर वार्म ब्लडेड की मैं जिक्र करूं तो वो उसमें हम भी आ जाते हैं। देखें कि हमने अगर हमारे एनवायरनमेंट में 50 से ज़्यादा भी चला जाता है टेम्परेचर, तो हम उस पर डिपेंड नहीं करते, लेकिन हम अपनी बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन करते हैं एक कांस्टेंट पॉइंट पे, जो मैंने आपसे डिस्कस की है। उसके इस वार्म ब्लडेड के कुछ एग्जांपल्स हैं मैमल्स, बर्ड्स और ह्यूमंस। ह्यूमंस मैंने लिखा नहीं है, लेकिन ये था आज का हमारा लेक्चर। और मैं ये आपको बताता चलूँ कि अगर कोई भी आपको कोई भी टर्म समझ में नहीं आया, कोई डिफ़िकल्टी है, तो आप ज़रूर हमें कमेंट में बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। इंशाल्लाह फिर कल मिलेंगे।